तीजा मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करूंगी जिदी बच्चे को लेके। बहुत सारे पेरेंट्स काफी परेशान हैं जिदी बच्चे को लेके, उनकी बातों को वो नहीं सुनते हैं, जिसके वजह से काफी पेरेंट्स परेशान हैं। रीजन क्या है वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि बच्चे के साथ माँ ज्यादा टाइम देती है और पापा बहुत कम टाइम देते हैं, और प्यार तो दोनों ही करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। होता क्या है, बच्चे अपने माँ को समझता है और पिता को समझता है, और माँ अपने बच्चे को और पिता अपने बच्चे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। और होता ये है कि पापा घर में बहुत कम रहते हैं और माँ ज्यादा रहती है, तो माँ अपने बच्चे को काफी हद तक जानते रहती है, पिता बहुत कम जानते रहते हैं उसके बारे में। तो उनको ये पता नहीं कि मेरे बच्चे का नेचर किस टाइप का होते जा रहा है, तो उस चीज को समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि घर में किसी भी तरह का उसको जरूरत होता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा से बोलते हैं, और पापा तैयार भी हो जाते हैं दिलाने के लिए। सपोज टॉफी क्यों ना हो, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपने पापा को बोलते हैं, और पापा टॉफी दिला देते हैं। माँ बोलती है टॉफी मत दिलाइए इसको, टॉफी इसको दिलाइएगा तो इसका दांत सड़ जाएगा। पर बच्चा नहीं समझता है, बच्चा क्या करता है, रोने लगता है कि नहीं मैं टॉफी खाऊंगा, मैं टॉफी खाऊंगा। पर उसे ये नहीं पता कि ये टॉफी खाने से क्या प्रॉब्लम उसे झेलनी पड़ेगी। और फिर क्या होता है, फिर कुछ और भी रिक्वायरमेंट होते हैं तो वो अपने पापा से बोलते हैं और वो पापा तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा जिद्दी होते चला जाता है, उसको लगता है मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो किसी भी फैमिली मेंबर से वो ले लेता है। दादा दादी आते हैं उनसे भी कुछ ले लिए, और दादा दादी भी पोते पोतियों को बहुत प्यार करते हैं उनको, जिसके वजह से बच्चे काफी बिगड़ भी जाते हैं। तो बच्चे जाके अपने दादा दादी से कुछ भी मांग लेते हैं और दादा दादी दिला देते हैं। और बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो माँ आके बोलती है कि देखिए ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो दादा दादी बोलते हैं वो प्यार में अंधे रहते हैं और वो सोचते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा पढ़ेगा बाद में, अभी अकल क्या है इसकी, ऐसा करके वो टाल देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। फिर क्या है, वो धीरे धीरे वो बच्चा जो है जिद्दी होते चला जाता है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं शुरुआत में, क्योंकि उसकी हर एक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होते जा रही है। पर क्या होता है, प्यार में हम लोग अंधे हो जाते हैं, बच्चे के प्यार में, जिसके वजह से हम लोग को पता नहीं चल पाता मेरा बच्चा जिद्दी हुआ कब। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि एक पौधा है, पौधे को हम लोग सींचते हैं तो घर के ही मेंबर हैं, एक आते हैं तो गमले में पानी डाल देते हैं, और एक आदमी आते हैं तो देखते हैं अरे इसमें तो धूप की जरूरत है, और वो गमले को लेके कहीं और रख देते हैं धूप में। तो जब धूप में रख देते हैं तो फिर कोई और आते हैं घर के मेंबर और सोचते हैं अरे इसको तो धूप में नहीं जमीन में डाल देना चाहिए, इससे ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो क्या हो गया कि तीन आदमी तीन तरीके की बात सोचे, एक क्या सोचा कि मैं गाड़ देता हूँ, एक सोचा मैं धूप में डाल देता हूँ, एक सोचा कि मैं पानी डाल देता हूँ, वो फूल जो है वो ग्रोथ करेगा, ज्यादा विकसित करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा एक है और आप सभी को जो है वो टीम, एक टीम बनके, एक मुट्ठी बनके टीम मेंबर बनिए और एक साथ एकजुट होके अपने बच्चे की केयर कीजिए। किसी भी चीज में ऐसा मत कीजिए कि पापा दे रहे हैं और मम्मी नहीं दे रही है तो वो जो है वो गलत है। अगर माँ नहीं दे रही है तो कुछ तो रीजन होगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। और जो जरूरत है सिर्फ उसी चीज को दीजिए,
हर चीज उसको मत दिया कीजिए। अगर उसको सेब की नीड है तो ही सेब मिलेगा उसको, अगर सेब की नीड नहीं है तो नहीं मिलेगी। अगर वो आपसे सेब मांगता है और उसकी नीड नहीं है तो वो क्या होगा, वो ये सोचेगा ना कि मैं जो भी कुछ भी बोलता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। वो धीरे धीरे जिद्दी हो जाएगा, फिर वो हाथ में नहीं आएगा। तो बच्चे की हर रिक्वायरमेंट को पूरा मत कीजिए, जो जरूरत है बस उसी को कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, और ये वीडियो अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी, लाइक और कमेंट शेयर साथ में कर दीजिएगा।